नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से वीडियो लेके आ चुका हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए। आज जो आपको वीडियो मिलेगी वो 4 और 5 जून की कंबाइंड वीडियो मिलने वाली है। 4 जून की मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था, तो इसी वीडियो के अंदर 4 और 5 जून दोनों की राजस्थान करंट अफेयर्स कंबाइंड पूरी आपको मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। उससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, पहले उसका जवाब आपको यहाँ पर दे देता हूँ। रैदास की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? सभी दोस्तों ने सही जवाब दिया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, चूहड़ सिद्ध का मेला कहाँ लगता है? ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ ये सभी मैंने करवाए हुए होते हैं, तो बताइए ये मेला कहाँ लगता है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिए। अब आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि हाल ही में निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत कितने स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति समस्त राजस्व गांवों के लिए किए जाने की घोषणा की है? कितने स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति की बात यहां पे की है दोस्तों? दो, बी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में इस क्वेश्चन की यहां पे बात करेंगे, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसके लिए उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो भी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाएंगे उनको सही से प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर ही काम पे लगाया जाएगा। दो स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति समस्त राज्य गांवों के लिए होगी, जिनमें एक पुरुष और एक महिला होगी। गांव में निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए संबंधित ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी पीएचसी प्रभारी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। तो डिटेल में आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। दो यहाँ पर स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति प्रत्येक गाँव में की जाएगी। और एक चीज़ और कि उनकी उम्र सीमा निर्धारित की गई है 40 वर्ष, और जो स्वास्थ्य मित्र होंगे वो उसी गांव से संबंधित होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना के तहत कितनी राशि स्वीकृत की गई है? जो दोस्तों जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ वो भी आप साथ साथ में लिख लेना कहीं पर, क्योंकि जो चीज़ें मैं बोल के बताता हूँ वो आपको करंट अफेयर्स ही होती है। जो लिख रहा हूँ उनका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और जो एक्स्ट्रा मैं बोलता हूँ वो आप लिख लेना। यहाँ पे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 392,32,00,000 रुपए। हाल ही में राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना के तहत इतनी राशि स्वीकृत की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं कि राजस्थान में जलदाय मंत्री बीडी कला द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। 169 ग्रामीण जल वितरण योजनाओं को इसके तहत मंजूरी दी गई है। इसमें 150 सिंगल विलेज और 19 मल्टी विलेज स्कीम है, और 1,22,000 घरों तक इसके तहत नल से जल पहुंचेगा इस योजना के तहत। तो ये इस योजना की पूरी डिटेल में बात हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान में आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार साल 2019 के दौरान कुल कितने विदेशी पर्यटकों ने भ्रमण किया था? ये आपको बताना है। कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है साल 2019 के लिए। तो ये थी दोस्तों 16.06 लाख, इतने विदेशी पर्यटक यहाँ पे आए थे साल 2019 में। इसकी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि 522.20 लाख स्वदेशी पर्यटक तथा कुल 538.26 लाख पर्यटक आए थे। तो 522.20 लाख तो हो गए स्वदेशी, इनमें जोड़ दीजिए 16.06 लाख, तो ये टोटल जो बन जाते हैं पर्यटक वो बन जाएंगे 538.26 लाख। पर्यटन विकास कोष के लिए इसके तहत इस बार 100 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पर्यटन विभाग का जो नया लोगो है वो क्या है? पधारो हमारे देश, जो पहले क्या था जाने क्या दिख जाए। तो ये डिटेल में इस क्वेश्चन की बात हो गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के किस जिले की गौशाला को सर्वश्रेष्ठ गौशाला का पुरस्कार दिया गया था? हाल ही में दिया गया था, किसे दिया गया था, किस जिले की गौशाला को दिया गया था दोस्तों? जयपुर, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके यहाँ पे क्वेश्चन की डिटेल में बात करते हैं कि जयपुर जिले की जो गोपाल गौशाला है पानवा की, उसको सर्वश्रेष्ठ गौशाला का पुरस्कार दिया गया था। और यह गौशाला कहाँ पर? सांबर लेक में है, जो कि है जयपुर में। कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया द्वारा पुरस्कार दिया गया, और ये जो पुरस्कार दिया गया है इस गौशाला को किसके द्वारा दिया गया है? कृषि व पशुपालन मंत्री जो है
लालचंद कटारिया उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ये राजनीर योजना है राजनीर योजना का शुभारंभ किया गया, किस राज्य में किया गया दोस्तों, ये आपको बताना है। राजस्थान के अंदर सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री राजनीर योजना का शुभारंभ किया गया राजस्थान के अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके तहत राज्य के जो शहरी क्षेत्र है उनके अंदर 15,000 लीटर से जो कम मासिक जल खपत वाले घरेलू उपभोक्ता है उनका जल का जो शुल्क आता है वो माफ़ किया जाएगा, और इसकी जो घोषणा है वो विधानसभा के अंदर की गई थी पहले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज बढ़ाकर कुल कितने प्रतिशत कर दिया गया है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कुल कितना कर दिया गया दोस्तों, बढ़ा के 30%, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहले दोस्तों ये 20% था, अब कितना बढ़ा दिया है इसके अंदर 10% बढ़ा दिया है, तो कुल हो गया 20+10 आपका 30%। तो पूरी डिटेल के अंदर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि राजस्थान में वित्त विभाग कर डिवीजन ने आधिकारिक आदेश जारी कर 10% स्टाम्प ड्यूटी पर बढ़ाने का फैसला लिया है, और अब कुल 30% इसका सरचार्ज हो गया है। यानी कि एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि यानी अगर आप 100 रुपये का एक स्टाम्प खरीदते हो तो उसके लिए आपको 130 रुपये देने होंगे, यानी कि उसका 30% ऊपर सरचार्ज लगेगा। अब 10% क्यों बढ़ाया है वो भी देख लीजिए। 10% कोरोना महामारी संपूर्ण उन्मूलन के लिए सरचार्ज तय किया गया है, तो इसके लिए 10% बढ़ा दिया गया है। अब इससे होगा क्या कि मकानों की रजिस्ट्री एवं सरकारी कार्य महंगे हो जाएंगे, क्योंकि पहले से ही 20% सरचार्ज लिया जा रहा है, अब ऊपर से 10% और बढ़ जाएगा, तो ये जो आप रजिस्ट्री वगैरह कराते हो प्लॉट की मकानों की, ये आपसे थोड़ी महंगी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस पर आधारित किए गए 10 राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, यानी कि पहले स्थान पर रहा है, तो वो रहा है दोस्तों राजस्थान। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्या है इसकी पूरी डिटेल वो देख लेते हैं कि राजस्थान में जो रिकवरी दर है वो सबसे अच्छी है पूरे भारत के अंदर। अगर बात करें कोरोना वायरस के संबंधित एक क्वेश्चन है, तो जिनको भी कोरोना हो रहा है उनकी दोबारा से जो रिकवरी हो रही यानी कि ठीक हो रहे हैं जो मरीज़, वो रिकवरी दर सबसे अच्छी राजस्थान की है। कितनी है? 67.26%। राजस्थान में कोरोना संक्रमित दुगने होने की जो दर है वो 18 दिन है, यानी कि हर 18 दिन के बाद मरीज दुगने हो जाते हैं। जो देश भर में 12 दिन है, यानी कि देश भर में क्या होता है अगर निकालें राजस्थान के संबंधित अगर बात करें देश भर की, तो 12 दिन में ही दुगने हो जाते हैं पूरे देश भर में, और वहीं राजस्थान में 18 दिन में दुगने होते हैं, यानी कि मरीजों की संख्या है वो राजस्थान में कम बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू पूरे देश की अगर यहाँ पर बात करें। तो देश भर में 35 लाख जाँच हुई है, उनमें से राजस्थान में 4.5 लाख कोरोना की जांच हुई है। नियंत्रण और रोकथाम में राजस्थान अव्वल रहा है, यानी कि पहले स्थान पर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत वर्ष 2024-25 तक के लिए कितना सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, कितना रखा गया दोस्तों? 30,000 मेगावाट का यह लक्ष्य रखा गया है। चलिए डिटेल में बात करेंगे कि यह नीति कब लागू की गई थी। 18 दिसंबर 2019 से ये लागू की गई है। ये जो नीति की यहाँ पे बात की हमने राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, वो कब से लागू है? 18 दिसंबर 2019 से। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि सौर ऊर्जा की दृष्टि से जर्मनी का विश्व में प्रथम स्थान है, और सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। तो भारत का अगर पहला पूछे सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की दृष्टि से, तो वो राजस्थान है, और पूरे विश्व की बात करें तो वो जर्मनी है। और राजस्थान की प्रथम सौर जो नीति है वो अप्रैल 2011 को स्वीकृत की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, दिवस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 3 जून को, हाल ही में मनाया गया 3 जून 2020 को, और अप्रैल 2018 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, है ना, अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, यानी कि यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा। तो साइकिल चलाने के लाभ पर जोर देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है,
इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, आपको भी पता है, तो उसी के लिए दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया दोस्तों? रोहित शर्मा को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे एक राइट हो जाएगा। क्रिकेटर रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी IIFL क्या है? बेसिकली इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और अगर इनकी बात करें रोहित शर्मा की, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया था, एक दो दिन पहले कराया था, कि BCCI ने 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनको मनोनीत किया है। किसे? रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। वहीं अगर बात करें अजिंक्य रहाणे की, मतलब अब ब्रांड एम्बेसडर की बात आ गई तो सभी के बता देता हूँ। वहीं बात करें अगर अजिंक्य रहाणे की, तो ELSA, याद रखना ELSA, ये एक कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन इंडिया का, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ELSA बेसिकली क्या काम करता है? जो आपके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होते हैं उनको सिखाने वाली एक मोबाइल एप्लीकेशन है ELSA, उसका ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे है। ऋषभ पंत की बात करें तो JSW Steel के ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन की बात करें तो IDFC फर्स्ट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर है। तो ब्रांड एम्बेसडर की जो लेटेस्ट न्यूज़ थी वो सभी आपको यहाँ पे बता दी गई है। चलिए IIFL का ये फुल फॉर्म देख लीजिए, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में बिहाइंड द मास्क COVID-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? बिहाइंड द मास्क COVID-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए पुस्तक से जो भी क्वेश्चन बनता है वो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये वाला कोरोना के संबंधित क्वेश्चन बन रहा है, तो ये डबल इंपॉर्टेंट हो गया आपको। तो इस बुक में क्या है? इस बुक में कोरोना वायरस की उत्पत्ति, इसका प्रसार कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, और इसके वजह से क्या क्या तकलीफें हुई है सभी को, उन सभी के बारे में इसमें पूरे डिटेल में बता रखा है। यानी कि शुरू से लेके एंड तक, जो अभी तक चल रहा है, इसके बारे में पूरे डिटेल में इसमें बता दिया गया है। तो बस आपको नाम याद रखना है कि इसके लेखक कौन है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। अगले क्वेश्चन की बात करें कि हाल ही में SBI के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, अगर आप और भी कोई एग्जाम दे रहे हो तो उनमें भी आपके ये क्वेश्चन बहुत काम आएंगे। SBI के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? अश्विनी भाटिया को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अभी तक ये क्या थे? डेप्यूटी MD थे, यानी कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब इन्हें बना दिया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD। जो दूसरे ऑप्शन है उनके भी यहाँ पे बात करें, वसंतराव सत्य वेंकट, इनकी अगर बात करें तो SIDBI का नया डेप्यूटी MD इन्हें बनाया गया है। SIDBI बैंक, नाम सुना होगा ना, SIDBI का नया डेप्यूटी MD इन्हें बनाया गया है। मातम वेंकटराव की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि CBI जो बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उनका नया MD CEO इन्हें नियुक्त किया गया है। PP सेन गुप्ता की यहाँ पे बात करें तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक का इन्हें अगला MD CEO बनाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो किसने किया दोस्तों टॉप? अनीश कुमार ने, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे एक राइट हो जाएगा। ये एक फेमस पेंटर है, चित्रकार है, वैसे भारतीय मूल के हैं लेकिन ब्रिटेन में रहते हैं, और इनकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस होती है, इनकी हर एक पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है, ये आपको याद रखना है। अनीश कुमार इनका नाम है, और लगातार दूसरी बार हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में इन्होंने टॉप किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम का इस वर्ष एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है? हाल ही में किस देश की सर्वेक्षण टीम इस वर्ष एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है? वह है दोस्तों चीन। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे हैं, ये जो चीन की एक टीम पहुँची है, इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट बताई है वो कितनी बताई है, कितनी मेजर की है? 8,844.4343 मीटर। ये आपको याद रखनी है क्योंकि पूछी जा सकती है एग्ज़ाम के अंदर।
8844.43 मीटर। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागरमाथा कहते हैं, ये आपको पता है। और नेपाल ने जो पहले हाइट बताई थी इसकी, उससे ये कितना कम है, 4 मीटर कम है। और एक चीज़ और आपको बताऊँ, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, 29 मई को, 29 मई को। और इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी क्या है, रेनमिनबी इनकी करेंसी है, यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ चाइना के संबंधित, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, करंट के क्वेश्चन है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग के अंदर है चाइना में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी बीजिंग के अंदर है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो मैं चीज़ें आपको बोल के बताता हूँ वो आप लिख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज कर करके जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, नोट्स बना लेना। और इसके अलावा करंट के अंदर देखिए बहुत सारे गेम्स होने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा चाइना के अंदर होने वाले हैं आने वाले अगले साल या एक दो साल के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं 2021 से, ध्यान से सुनना इन पॉइंट्स को, एक साथ बता रहा हूँ सारे, थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ या लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं 2021 की, तो थर्ड एशियन यूथ गेम्स यहाँ पे चाइना में होने वाला है 2021 में। फिर 2022 के अंदर बहुत सारे होंगे यहाँ पे, कौन कौन सा होगा, एक तो होगा 19th एशियन गेम्स यहाँ पे होगा चाइना के अंदर। और 2022 के अंदर और क्या होगा, एशियन पैरा गेम्स होंगे चाइना के अंदर 2022 के अंदर। और क्या होगा, विंटर ओलंपिक गेम्स भी होंगे बीजिंग चाइना के अंदर। तो इतने सारे गेम्स आने वाले एक दो सालों के अंदर चाइना के अंदर होने वाले हैं। और अभी हाल ही में एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन बताता हूँ चाइना के संबंधित, कि अभी चाइना ने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया था, और उसका इन्होंने नाम क्या रखा था, AR-500C। इस नाम से इन्होंने अपना एक मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया था, और उसका नाम AR-500C है। तो ये भी याद रखना, एग्ज़ाम में नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आए होंगे, काफ़ी सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए और पूरी डिटेल के अंदर बताएं, ठीक है, एक्स्ट्रा जितने पॉइंट है वो भी आपको यहाँ पे बताएं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई आपका पर्सनल डाउट है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।